हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेलर्स पैशन। तो अभी जो लोग नए डीजी शिपिंग का ई लर्निंग कोर्स कर रहे हैं या एग्जिट एग्जाम दे रहे हैं, उन लोगों को एक चीज करना पड़ रहा है, फोटो वेरिफिकेशन। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम अराइज हो रहा है कि आपका फोटो वेरीफाई नहीं हो रहा है और यहाँ पे दिखा रहा है कि योर इंडोज फोटो इज नॉट प्रॉपर। ये सेम चीज मेरे साथ भी हुआ था, तो मुझे ऑलमोस्ट एक हफ्ता लग गया ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में। मैं आप लोगों के साथ वही चीज शेयर करूंगा कि कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ और स्टेप बाय स्टेप मैंने क्या क्या किया। तो चले, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हो रहा है कि प्रॉब्लम अराइज हुआ है कि आपका भी दिखा रहा है कि इंडोज फोटो इज नॉट प्रॉपर, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड, होपफुली आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। का जो नया रेगुलेशन है उसके हिसाब से, चाहे आप रिफ्रेशर कोर्स कर रहे हो या फर्स्ट टाइम मेन कोर्स कर रहे हो, चाहे STCW हो या कॉम्पिटेंसी कोर्स, आपको एक ई लर्निंग कोर्स करना पड़ेगा डीजी शिपिंग वेबसाइट से, और उसके बाद आपको एग्जिट एग्जाम भी देना पड़ता है। जब आप ई लर्निंग कोर्स करने जाओगे, आपका एक ऑप्शन आएगा फोटो वेरीफिकेशन का। तो जैसे ही हम लोग फोटो, बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम हो रहा है कि जैसे ही वो फोटो वेरीफाई करने जा रहे, तो दिखा रहा है योर फोटो इज नॉट वेरीफाइड एंड योर इंडोज फोटो इज नॉट प्रॉपर। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हुआ था, देन मैंने जो जो चीज़ किया और उसके बाद मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, तो वही मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखा रहा हूँ। लेट्स गो टू माई कंप्यूटर स्क्रीन। सो आप जैसे ही डीजी शिपिंग वेबसाइट को खोलेंगे, तो आपको यहाँ पे दिखेगा ई लर्निंग कोर्स। ई लर्निंग कोर्स के अंदर दो सेक्शन है, एक कंपिटेंसी कोर्सेस एंड मॉड्यूलर कोर्सेस। तो इफ़ यू आर डूइंग मॉड्यूलर कोर्सेस मीन्स STCW कोर्सेस, तो आपको जाना पड़ेगा मॉड्यूलर कोर्सेस में। तो आपको यहाँ पे दिखेगा मॉड्यूलर कोर्स, जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे ये वाला पेज खुलेगा आपको, ये ई लर्निंग STCW मॉड्यूलर कोर्सेस। उसके बाद आपको दिखाएगा यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो आप पहले आपको करना पड़ेगा, आप अगर STCW कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एनरोल नाउ में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपका इंडोस नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कोर्स नेम सिलेक्ट करना पड़ेगा। कोर्स नेम यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आपको दिखाएगा बेसिक मॉड्यूलर कोर्सेस, एडवांस मॉड्यूलर कोर्सेस एंड रिफ्रेशर कोर्सेस। तो जो आप करना चाहते हो, जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड वेरीफाई, तो वो वेरीफाई हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आता है। अब आता हूं मैं यहाँ पे, हाँ तो अभी यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल के मैं साइन इन किया, तो मेरा ये देखिए फोटो वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है। अब मेरा तो फोटो वेरीफाई हो चुका है, तो इसलिए अभी प्रॉब्लम नहीं आएगा मेरे को। तो जब ये फोटो आपका वेरीफाई नहीं होगा, तब क्या होगा, आपको दिखाएगा एक यहाँ पे, जब आप नीचे करोगे यहाँ पे आपको एक डायलॉग बॉक्स आएगा, जहाँ पे लिखा रहेगा कि गो टू दिस आईपी एड्रेस, यू कैन सी हियर दिस आईपी एड्रेस। सो वंस यू क्लिक ऑन दैट, आपको ये वाला पेज खुलेगा डीजी शिपिंग का। यहाँ पर आपका ऑप्शन है वेरीफाई प्रोफाइल फोटो, ऐड अ फोटो, चेंज सिग्नेचर, मंथली रिपोर्ट, रिपोर्ट इश्यू, चेक स्टेटस। तो जैसे ही वेरीफाई फोटो में जाएंगे आप, वेरीफाई प्रोफाइल फोटो, यहाँ पे देखिए आपका आएगा इंडोज फोटो एंड लाइव इमेज। यहाँ पे देखिए इंडोज का फोटो है, तो अभी जैसा मेरा वेरीफाई हो गया इसलिए मेरा यहाँ पे फोटो दिखा रहा है, लेकिन उस टाइम ये फोटो नहीं था, यहाँ पे दिखा रहा था योर इंडोज फोटो इज नॉट प्रॉपर। तो मैंने क्या किया था, एक स्क्रीनशॉट लेकर रखा हूँ आप लोगों के लिए, तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है इंडोज फोटो इज नॉट प्रॉपर। तो मैंने क्या किया उसके बाद, जब ये नहीं हुआ, देन और एक ऑप्शन दिया था कि वेरीफाई योर प्रोफाइल फोटो। तो मैंने यहाँ पे मेरा एक नया फोटो डाला था और यहाँ पे कैप्चर लाइव फोटो भी किया था, तो उसके बाद ये दिखाया कि योर लाइव फोटो इज नॉट प्रॉपर, बट उसके बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया,
तो मैंने पहला जो मेल किया था, ईमेल किया था, ये देखिए 13 जनवरी 2021, ये मैंने मेल किया था ttc-dgs@nic.in। प्लीज़ नोट डाउन द ईमेल आईडी, यही ईमेल आईडी है जहाँ पे आप लोगों को भेजना पड़ेगा अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है तो। प्लीज़ राइट डाउन द ईमेल आईडी ttc-dgs@nic.in। तो यहाँ पे मैंने मेल किया, मेल करने के बाद कोई रिप्लाई नहीं आया। देन मैंने क्या किया, जहाँ से कोर्स कर रहा था तो उन लोगों को मेल किया कि मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग एक बार देखो, डीजी शिपिंग से आप लोग बात करो। तो उसके बाद उन लोगों का रिप्लाई आता है कि प्लीज़ रिवर्ट विथ योर नेम, इंडो, सीटीसी नंबर एंड स्क्रीनशॉट ऑफ द एरर। तो मैंने ये चीज़ भेज दिया उन लोगों को जो उन लोग ने मांगा। देन जो इंस्टीट्यूट ने डीजी शिपिंग को, दिस मैरिटाइम ट्रेनिंग ट्रस्ट, डीजीएस को मेल किया था, सीसी में मेरा ईमेल आईडी भी रखा था उन लोगों ने। तो मुझे ये मेल मिला कि प्लीज़ नोट दैट कैंडिडेट हैज सक्सेसफुली अपलोडेड दिस फोटोग्राफ ऑन टू डीजीएस ई गवर्नेंस सिस्टम, बट द सेम इज स्टिल नॉट रिफ्लेक्टिंग द डीजीएस EDU एकेडमी फॉर फेस वेरिफिकेशन। ये वो लोग ने भेजा था 16 जनवरी को। देन उसके बाद तो पहला मेल मुझे जो मिलता है मैरिटाइम ट्रेनिंग ट्रस्ट DGS से 18 जनवरी को, प्लीज़ फॉरवर्ड द फोटो अपडेट विद द फॉलोइंग डिटेल्स, नेम, इंडोस नंबर, CDC एंड रीजन फॉर फोटो रीअपलोड रिक्वेस्ट, एंड प्लीज इंक्लोज द फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड पासपोर्ट कॉपी ऑफ द कैंडिडेट। तो ये मुझे पहला मेल मिलता है। उसके बाद मैं उन लोगों को ये चीज़ भेज देता हूँ जो जो उन लोग ने मांगा था। देन ऑन 21 जनवरी, ऑन 21 जनवरी मैरिटाइम ट्रेनिंग ट्रस्ट DGS से वापस मेल आता है कि परमिशन हैज़ बीन ग्रांटेड एंड सीफेरर कैन नाउ चेंज हिज फोटो एंड सिग्नेचर। फोटोग्राफ रिक्वायरमेंट कि बैकग्राउंड ऑफ द फोटोग्राफ शुड बी वाइट एंड फेस साइज शुड बी 75% to 80% ऑफ द फोटोग्राफ। तो ये मेल आता है। उसके बाद मेरा जो ई गवर्नेंस है वहाँ पे जाके मुझे अपडेट सी फेयर प्रोफाइल से मैं यहाँ पे ये फोटो मेरा चेंज करता हूँ। अभी देखिए जैसे मेरा फोटो ऑलरेडी अपलोडेड है तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है रीलोड का। तो जैसे वो लोग ने मुझे वो परमिशन वाला मेल किया तो यहाँ पे वो रीलोड वाला ऑप्शन आ रहा था। तो नया फोटो और नया सिग्नेचर डाल के मैंने अपलोड किया। तो इट टुक्स ऑलमोस्ट 1 डे। तो एक दिन बाद जब मैंने ई लर्निंग वापस खोला, मॉड्यूलर कोर्स, और यहाँ से साइन इन किया तो मेरा ये फोटो वेरीफाई हो रहा था। अब देख लीजिए आप लोग एक बार, ये देखिए सी मेरा फोटो वेरीफाई हो गया। तो आप लोग जिसको भी ये प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग अगर यहाँ पे ttc-dgs@nic.in को मेल करेंगे तो फुली आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मे बी यू हैव टू रिमाइंड देम 2-3 टाइम्स, बट हो जाएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो प्लीज राइट डाउन द ईमेल आईडी वेर यू हैव टू सेंड द ईमेल। सो होप यू लाइक द इंफॉर्मेशन, एंड अगर इससे आपका प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाता है सो प्लीज प्रेस द लाइक बटन, एंड फॉर मोर फ्यूचर अपडेट्स ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।